हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड आज इस वीडियो में हम एक पोस्टर को क्रिएट करने वाले हैं। इस पोस्टर को एआई की मदद से, एआई हमको सेम टू सेम ये पोस्टर बना के नहीं देगा, लेकिन हमको कई सारे आइडियाज दे सकता है जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड वो आइडिया कहाँ से आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं पहले हम डिस्कॉर्ड पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी अपने जो हमारा पोस्टर होगा उसके ऊपर। तो मैं पोस्टर बना रहा हूँ एक बर्गर के ऊपर, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर टाइप कर दूंगा। सो बेसिकली वी विल टाइप द कमांड स्लैश इमेजिन एंड यहाँ पर हम एक पोस्टर बनवाएंगे एआई से। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूंगा, देन वी विल गेट दीज रिजल्ट। तो हमारे पास ये चार चीज़ें आई हैं। ये आपके पास अलग टाइप्स आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम आएगी। एंड मेरे पास चारों जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। इनसे कई सारी चीज़ें हम अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे फोटोशॉप में एंड यहाँ पर एक साइज़ ले लेंगे पोस्टर एंड उसको क्रिएट कर देंगे। देन वी गो बैक एंड टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दैट विच वन यू लाइक। देन अगेन हमको हेल्प लेनी है एआई की, फिर से हम टाइप करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट इमेज होगा। जो हमारा प्रोडक्ट इमेज है वो बर्गर है एंड यहाँ पर एआई ने हमें इतने सारे बर्गर इमेज दे दिए हैं। नाउ इसमें से जो सा भी अच्छा लग रहा है उसको आप हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना। एंड आपको पता ही होगा कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं मिडजर्नी। सो दिस वन आई हैव डाउनलोडेड इन हाई क्वालिटी। देन सिंपली मैं उसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। देन उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्लिक ऑन दैट सेलेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर हमको वाइट बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। देन सिलेक्शन आने के बाद हमको सेलेक्ट करनी है अपनी लेयर एंड उसी पर रहकर प्रेस करना है कंट्रोल जे। फिर अपनी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर हमको एक और न्यू सॉलिड कलर ले लेना है जिसका कलर थोड़ा सा रेडिस डार्क होगा, इस तरीके से। एक और न्यू लेयर क्रिएट करनी है और उस पर ब्रश करना है, हम एक क्लिक करना है बस कुछ रेड कलर से लाइक दिस। फिर उसको हम कंट्रोल टी से स्केल कर लेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा हो जाए। फिर हम अपनी बर्गर लेयर पर आएंगे एंड यहाँ पर मास्क क्रिएट कर लेंगे। अब जो हमको वाइट दिख रहा है वो हम रिमूव कर देंगे ब्रश टूल से। मेक श्योर आपने ब्लैक एंड वाइट कलर ले रखा है यहाँ पे अगर आप मास्क पर काम कर रहे हो तो। देन हम राइट क्लिक करेंगे मास्क पर और अप्लाई कर देंगे। देन गो टू सेलेक्ट मॉडिफाई एंड क्लिक ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देन यहाँ पर हमको दे देना है 2 एंड देन अगेन प्रेस कंट्रोल जे एंड डिलीट द ओल्डर लेयर। नाउ फिर से हमको यहाँ पर से इरेज कर देना है ये जो ब्लैक दिख रहा है नीचे, इरेजर टूल से किसी भी तरह इसको रिमूव कर देना है अपनी इमेज में से। देन क्रिएट अ न्यू लेयर बिलो द बर्गर इमेज एंड हम पर उसको ब्रश कर देना है एक क्लिक जस्ट लाइक दिस। सो यू नीड टू हैव अ लाइट कलर लाइक दिस। नाउ इसका हमको मोड चेंज कर देना है टू विविड, समथिंग ऐसा कुछ हो बैकग्राउंड में। देन डुप्लीकेट दिस लेयर एंड ड्रैग इट हियर। देन इट्स टाइम टू क्रिएट अ शैडो। सो क्रिएट अ न्यू लेयर बिलो द बर्गर इमेज एंड जस्ट क्लिक बाय ब्रश टूल ब्लैक कलर लाइक दिस एंड देन प्रेस कंट्रोल टी एंड एडजस्ट। Now it's time to create a light effect on burger. So select your layer and click on that brightness and contrast and do your image like this. Now select brush tool and come to mask and just brush here by both color black and white so you can see the result. That's it. Now it's time to apply effect. सो हम जाएंगे फ्री पिक पर एंड कुछ ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। देन सिंपली ड्रैग योर इमेज हियर एंड वी कैन चेंज द लेयर मोड टू समथिंग दिस एंड ऑल्सो मेक श्योर द एजेस ऑफ द इमेज आर नॉट विजिबल
So get a layer mask on it and brush here. And then place it something like this where you think that's looking good. Then उसके बाद एक और चीज़ हमको यहाँ से डाउनलोड करनी है फ्रीपिक से, वो होगी ये लाइट इफेक्ट। एंड इसको सिंपली हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल टी से हम इसको लार्ज कर लेंगे एंड यहाँ पर इसका मोड चेंज कर देंगे। एंड देन यू कैन प्ले विद लेवल्स। एक और चीज़ हमको करनी है ह्यू सैचुरेशन, तो वी नीड a yellow light, so just change the hue to get the yellowish. Yes, now sab ko select kar lena hai humko effect ko and image ko and press control e merge them. Now fir se humko color mode change kar dena hai, then go to any selection tool and make a selection single by single like this and press control j to separate them. Now we have separated the lights and we can place it anywhere. So अब सिंपली हमको थोड़ी सी लाइट देनी है बर्गर पर, सो हम एक न्यू लेयर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा एक येलोइश कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ब्रश से यहाँ पर साइडों पर हल्का हल्का ब्रश करते जाना है। Now, एक और इमेजेस हमको यहाँ से डालनी है फ्रीपिक से एंड इसको हम डाउनलोड करेंगे, देन इसको सिंपली ड्रैग करेंगे अपने प्रोजेक्ट में एंड देन इस लेयर का भी हमको मोड चेंज कर देना है। मेक श्योर दिस लेयर इज ओनली अबव द बैकग्राउंड लेयर। देन गूगल से हमको स्मोक इमेजेस ये डाउनलोड कर लेनी है एंड इनको भी सेपरेट कर देना है सिलेक्शन बाय, सो प्रेस कंट्रोल जे वंस यू गॉट सिलेक्शन, प्रेस कंट्रोल जे Now that's it, it's time to write the text. The font name is Poppins, but you can use your own font, but make sure that looks bold. Now simply is font ko hum drag karenge all below the images like this and yahan se humko texture download karna hai, copy image karna hai and paste kar dena hai above the text layer, then usko clipping mask kar dena hai apne text par. एंड देन टैक्स का कलर चेंज कर देना है थोड़ा सा येलोइश लाइक दिस, फिर उसके बाद हमको इमेज का मोड चेंज कर देना है, सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन यूज फायर, सो जस्ट सेलेक्ट द इमेज, कॉपी एंड यहाँ पर हमको पेस्ट कर देनी है। नाउ मेक श्योर यू आर ऑल अबव द लेयर्स सो देन यू कैन सी द image. Now change the mode and adjust that. So our text is done. We can duplicate the file and place it here. You can use your own text. So we can type here the spicy hot, yeah hot is fine,
and paste it here. Nice, now it's time to write the text below. So there are so many format of the text you can use, so I am using this format and this looks nice. So here this is, our poster is done. तो अब आपको पता चल गया होगा AI हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है जिसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपको ये चीज़ पहले नहीं पता थी तो ज़रूर कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो को हर कोई देख सके. एंड उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आइडिया नहीं होता डिज़ाइनिंग का कैसा आइडिया लेना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. एंड मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सारी वाया सी नाम है. फॉलोवर्स बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, तब से 300 के करीब ही फॉलोवर्स आपके भाई के, तो फॉलो जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.